छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं दिया था, वो विचारधारा आप जानते हैं बढ़ रही है, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, जीएसटी के कारण और एक दो पूंजीपतियों का कंट्रोल हमारे अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं। तो भारत बिखर रहा है, तो पहला कारण भारत जोड़ो यात्रा के पीछे ये है कि आर्थिक विषमताओं से जो हमें हमारे समाज में, हमारे देश में जो कमजोरी आ रही है, उसको फिर से हमें वापस भारत को जोड़ना है, फिर से भारत को मजबूत बनाना है। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो हमारा देश कभी मजबूत नहीं हो पाएगा। दूसरा कारण, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ाया जा रहा है। चुनाव आते हैं, प्रधानमंत्री की भाषा बदल जाती है, ध्रुवीकरण धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर जो विभाजनकारी संस्थाएं हैं, विभाजनकारी विचारधारा है, उनको प्रोत्साहन मिलती है। और सामाजिक ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन जो किया जाता है ताकि चुनाव में उनको फायदा मिले, उससे भी भारत कमजोर होते जाता है। और तीसरा कारण, भयंकर तरीके से राजनीतिक केंद्रीयकरण। एक ही कार्यालय, एक ही व्यक्ति, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, 56 इंच की छाती, सिर्फ एक ही व्यक्ति,
और अंत में हमने ये रूट सीधा लाइन हमने तय किया, क्योंकि ज्योग्राफी की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से, और सबसे महत्वपूर्ण बात यही एक रूट था जो पूरा पद यात्रा रूट हो सकता है। और अलग अलग रूट थे, जहां कुछ जगहों में रेल की जरूरत पड़ती, कुछ जगहों में हमें नाव की जरूरत पड़ती, कुछ जगहों में हमें रोड या बस की जरूरत पड़ती, पर यही एकमात्र रूट अलाइनमेंट हमारा निकला जो मैं दिखा रहा हूं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, जो पूरा पद यात्रा के रूप से निकाला गया। अगर हम 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू करेंगे तो गुजरात में पहुंचने के लिए 90 दिन के कम नहीं होगा, 90 दिन लगेंगे, तब तक चुनाव तो हो चुका, और हिमाचल भी हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो कुछ भी हो, अगर हमारी, हम सुपरमैन भी हैं, हम रोज 22 किलोमीटर चलते हैं, 22 किलोमीटर, इस रफ्तार को हम अगर बरकरार रखें तो 90 दिन से कम नहीं हो पाएगा गुजरात पहुंचने में। तो एक कारण तो ये था कि किसी भी हालत में हम चुनाव के पहले नहीं पहुंच पाते। दूसरा कारण ये था कि अगर हम यात्रा यहां से शुरू करते या यहां से यात्रा गुजरता, हमारा पूरा संगठन यात्रा में लग जाता, पर आप संगठन के लिए अभी सबसे बड़ा चुनौती जो है वो चुनाव है, चुनावी अभियान है, चुनाव में उनको भाग लेना है, मुकाबला करना है बीजेपी का, और भारत जोड़ो यात्रा में अगर वो लग जाएंगे तो चुनावी अभियान पर उसका नकारात्मक असर होगा। इसलिए राहुल गांधी जी अहमदाबाद आए 5 सितंबर को, साबरमती गए और वहां से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। हालांकि हम कहते हैं कन्याकुमारी में हुई, कन्याकुमारी हम कन्याकुमारी से हमने हम चलते रहे, पद यात्रा वहां से शुरू हुई, पर असली बुनियाद जो था वो साबरमती आश्रम से था। 5 तारीख सितंबर को साबरमती आए, साबरमती के बाद कहां गए, विवेकानंदा स्मारक कन्याकुमारी में गए, विवेकानंदा स्मारक के बाद कहां गए, गांधी मंडपम कन्याकुमारी में, और तब पद यात्रा शुरू हुआ। तो गुजरात के आशीर्वाद के बिना यह भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत नहीं होती, आशीर्वाद साबरमती में। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं 2-3 मिनट में खत्म करूंगा। चुनाव से ये भारत जोड़ो यात्रा का कोई लेना देना नहीं है, ये बात सही है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, पर विधानसभा चुनावों के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। ऐसा देखा जाए तो हर साल हमारे देश में चुनाव होते हैं, किसी भी राज्य में होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, नगर पालिकाओं के होते हैं, विधानसभाओं के होते हैं, 2023 में 8 राज्यों में चुनाव होंगे, पर हमने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये भारत जोड़ो यात्रा की कल्पना नहीं की और भारत जोड़ो यात्रा को नहीं शुरुआत की। संगठन को मजबूत करने के लिए जरूर, जनता में जागृत करने के लिए विषमता, आर्थिक विषमताओं के बारे में, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में, राजनीतिक केंद्रीकरण के बारे में जरूर, पर चुनाव से इसका कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। राहुल गांधी जी को यह सवाल पूछा गया कि आप दक्षिण से उत्तर जा रहे हैं, अलग राज्यों का क्या होगा, तो उन्होंने कहा अगले साल हम पश्चिम से पूर्व भी जा सकते हैं, हो सकता है इसके अनुभव के आधार पर जो सफलता हमें मिली है अब तक, जो उत्साह हमें देखने को मिला है जनता में,
अगले साल हम पोरबंदर से परशुराम कुंड जा सकते हैं, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश हो सकता है। तो ये एक शुरुआत है हमारे लिए, एक नया कांग्रेस दिखाई दे रहा है, कांग्रेस संगठन में उत्साह, ऊर्जा, नई उमंग दिखाई दे रही है। और बीजेपी चिंतित है, बहुत परेशानी में है, घबराई हुई है, आरएसएस भी घबराई हुई है, अलग अलग लोगों से अभी मिलने शुरू किए हैं मोहन भागवत जी, ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है। रोज हेडलाइन मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, पहले दिन टी शर्ट, दूसरा दिन कंटेनर, तीसरा दिन और कुछ कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में, बिल्कुल बेबुनियादी, बिल्कुल गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है, पर उनका हमने खंडन किया है। और लीगल नोटिस मैं रोज भेजते रहता हूं किसी ना किसी को। ये एक नया आक्रामक कांग्रेस है, कोई हमें चुप नहीं कर सकता, कोई हमें कमजोर नहीं कर सकता। अगर आप झूठे तरीके से हम पर कुछ आरोप लगाओगे, हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके ही रहेंगे। तो साथियों, ये भारत जोड़ो यात्रा है। मैं विशेष तौर से मैं 2 दिन के लिए निकला हूँ यात्रा से, पिछले 15 दिन से मैं यात्रा में लगा हुआ हूँ। खास तौर से गुजरात में मैं आया हूँ, कल वापस जाऊँगा केरला में, उसके बाद कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश होगा। पर मैं आपको इसलिए यहाँ आया हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि गुजरात से ही इसकी शुरुआत हुई थी, असल में देखा जाए साबरमती से 5 सितंबर को। बीजेपी साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर न केवल कांग्रेस संगठन पर पड़ा है, पर बीजेपी पर भी पड़ा है। चिंतित है, घबराई हुई है, और कुछ ना कुछ। और सबसे इसका बढ़िया नमूना था चीता तमाशा। चीता तमाशा से भारत जोड़ो यात्रा की जो पब्लिक रेस्पॉन्स है, उसके मुकाबले में एक दिन हमारे प्रधानमंत्री, और वो भी गलत निकले, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तो गलती से भी सच नहीं बोल सकते। 70 साल से किसी ने चीते के बारे में नहीं सोचा है, 70 साल से। 2009 में मैं खुद साउथ अफ्रीका गया था और उसकी फोटो सारे सोशल मीडिया में है, प्रधानमंत्री जानते हैं। तो ऐसे तमाशे होते रहते हैं और होंगे, हेडलाइन मैनेजमेंट होगा, पर हम बिल्कुल एकमात्र तरीके से, सिंगल माइंडेड फोकस है हमारा भारत जोड़ो यात्रा। हमारे संगठन में चुनाव हो सकते हैं 17 तारीख को, अगर 2 उम्मीदवार हैं अध्यक्ष पद के लिए, वो चुनाव होते रहेंगे, पर भारत जोड़ो यात्रा चलता रहेगा। 5.5 महीने लगेंगे, और जैसा कि मैंने कहा, 12 राज्य से गुजरेगा ये भारत जोड़ो यात्रा। और मैं समझता हूं भारतीय राजनीति के लिए ये एक परिवर्तनकारी क्षण है, और कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक संजीवनी, नई ऊर्जा, नई उमंग, नई दिशा महसूस, लोगों में एक नया उत्साह है। और जिस व्यक्ति की आलोचना रोज हुआ करती थी, आज वही व्यक्ति कंटेनर में, कल सभी चैनलों ने चलाया राहुल गांधी दिल्ली में है, कंटेनर में बैठे हुए हैं केरला में, और चैनल और मीडिया चला रहे हैं कि वो दिल्ली में है। जिस व्यक्ति की आलोचना हुआ करती थी, रोज 22 किलोमीटर चलते हैं, हालांकि वो कहते हैं मुझे, हम 25 किलोमीटर क्यों नहीं चलते, और मैं मुझे कहना पड़ता है उनको, आप
अभी तक युवा हो, कुछ ऐसे लोग हैं जो चल नहीं पाएंगे आपके साथ, तो 22 तक ही सीमा रखिए, 25 मत चलवाइए हमसे। वो 6 बजे शुरू करना चाहते हैं, हमारा कॉम्प्रोमाइज हुआ है 6:30 को शुरू करेंगे, और मैं सोच रहा हूं कि अगले 1-2 महीने के बाद हम 6 बजे को भी शुरू करेंगे। तो जिस व्यक्ति की आलोचना की गई थी, आज उसकी छवि बदली हुई है। तो साथियों, चुनाव आने वाले हैं गुजरात में, उसके संदर्भ में आपके कुछ सवाल होंगे हमारे, पर अगर आपके कुछ सवाल भारत जोड़ो यात्रा से संदर्भ में हैं और कुछ कांग्रेस पार्टी जो चुनाव होने वाले हैं उसके संदर्भ में हैं, मैं उन सवालों को जवाब जरूर देने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया। देखिए, 4-5 तरीके के लोग आते हैं सड़कों पर, कांग्रेस समर्थक जरूर आते हैं, बिल्कुल कांग्रेस समर्थक आते हैं, कांग्रेस से कोई जो नाता रहा है पहले वो भी आते हैं, कांग्रेस प्रशंसक आते हैं, पर केरला में हमने देखा है, तमिलनाडु में हमने देखा है, कांग्रेस के आलोचक आते हैं सड़कों पर। और भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो अपनी जीवन भर में कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते आए हैं, और आज वो समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी के अलावा बीजेपी को और कोई नहीं मुकाबला कर सकता। जो व्यक्ति 2012 में यूपीए सरकार के खिलाफ अनशन में बैठे हुए थे अन्ना हजारे के साथ, वो आज भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हुए हैं। कुछ पुराने पापी भी हैं भारत जोड़ो यात्रा में, जो समझ गए हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से ही हमारे राजनीति में परिवर्तन आने की गुंजाइश है। तो अलग अलग लोग आते हैं, जनता आते हैं, फोटो खींचना चाहते, आज सब सेल्फी का जमाना है, सब लोग सेल्फी खिंचाना चाहते हैं, राहुल गांधी जी के हाथ मिलाना चाहते हैं, उनके साथ अलग अलग राज्य के नेता भी हैं, जिले के नेता हैं, उनसे मुलाकात होती है। तो और इससे अलावा, इसके अलावा हर दिन 3 संगठनों के साथ राहुल जी की मुलाकात होती है, एक दिन महिला संगठन, एक दिन कल INTUC जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां बेचे जा रहे हैं उनके लेबर के साथ बैठक हुई, एक मुलाकात फिशरमैन कम्युनिटी से हुआ। तो रोज किसी ना कोई ग्रुप आता है, आधे घंटे के लिए बात करता है, कुछ दस्तावेज पेश करता है। तो ये एक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है, ऐसे कोई स्पेसिफिक मांग नहीं है। मैं सब, मुझे कोई समय का कोई पाबंदी नहीं है, मैं सबका सवाल दूंगा। हम लोग जो कहते हैं, देखिए कहने के लिए ज्यादा कुछ है पर मौका नहीं, क्योंकि इतना शोर है, आवाज होता है, म्यूजिक होता है, फिल्में चल रही हैं, सिर्फ सेल्फी लोग चाहते हैं, भाषण नहीं चाहते हैं। और पहले पहले मैं कहना भूल गया, पहले दिन से राहुल गांधी जी ने हमसे कहा, भारत जोड़ो यात्रा में मन की बात नहीं होगी, ये मन की बात का मौका नहीं है, ये जनता की चिंता क्या है वो समझिए। मन की बात रोज देश के नाम संदेश ना, तो लोगों से मिलते हैं हम, जब हम चल रहे हैं लोग हमें, कल परसों मेरा यही एक्सपीरियंस था, मेरा ही अनुभव था, कोई जो 3-4 कंपनियां पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं कोचिन में, वो बंद होने वाले हैं या बेचे जा रहे हैं, उनके लेबर वहां खड़े हुए थे, उन्होंने मेरे हाथ में एक मेमोरेंडम पेश किया, कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ मेमोरेंडम हमें पेश कर, और मेरे साथ एक फोटो खींच ली। देखिए 30,000 लोग हैं, 30-35,000 लोग, तो बात नहीं हो पाती है, और सुबह 5,000 लोग हैं, बात नहीं हो पाती, हम चलते रहते हैं, लोग चलते रहते हैं। कल आपने देखा होगा अशोक गहलोत जी साथ थे राहुल जी के साथ, ज्यादा बात नहीं हो रही थी दोनों के बीच में, पर चल रहे थे। दे सके राजस्थान,
प्रयास में लगता है आपको कि बड़ी बात होगी? देखिए, अशोक गहलोत जी आए थे राहुल गांधी को मनाने के लिए कि एक आप बन जाइए, क्योंकि सब लोग चाहते हैं, सभी पीसीसी भी चाहते हैं, कार्यकर्ता चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि आप अध्यक्ष बने। राहुल गांधी जी ने कहा नहीं। तब अशोक गहलोत जी ने बयान दिया कि मैं उम्मीदवार हूं। क्या वो अकेले उम्मीदवार रहेंगे या इलेक्शन होगा वो आपको पता चल जाएगा 1 तारीख को, और अगर चुनाव होने वाले हैं वो 17 तारीख में होंगे। पर इस संदर्भ में मैं 3 चीजें कहना चाहता हूं, महत्वपूर्ण चीजें। कांग्रेस पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है हमारे देश में जो अपने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करने के लिए एक प्रणाली है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जो अपने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने के लिए सिस्टम है और चुनाव कराया है। हालांकि मैं विश्वास रखता हूं कामराज मॉडल, कामराज का नाम सुना होगा आपने, तमिलनाडु के एक बड़े मशहूर जाने माने मुख्यमंत्री थे। कामराज मॉडल क्या था? कामराज मॉडल था कि आम सहमति बनाओ। हमारे 137 साल पुरानी इतिहास में सिर्फ 4 बार चुनाव हुआ है कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए, सिर्फ 4 बार। 1939 में हुआ था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुने गए। 1950 में हुआ था, पुरुषोत्तम दास टंडन चुने गए थे। 1997 में हुआ था, सीताराम केसरी जी चुने हुए थे। और सन 2000 में हुआ था, सोनिया गांधी जी चुनी गई। नहीं तो कांग्रेस का इतिहास रहा है आम सहमति बनाना। कांग्रेस की जो योगदान है हमारे राजनीति में वो सहमति की आम सहमति की राजनीति, आम सहमति की राजनीति, वही कांग्रेस का योगदान है। मैं उसमें विश्वास रखता हूं। पर हम चुनाव से भाग नहीं रहे। अगर 2 उम्मीदवार रहेंगे, 3 उम्मीदवार रहेंगे, 17 तारीख को चुनाव होगा। तो पहली बात आपको ये जाननी चाहिए कि कांग्रेस एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में अपने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने के लिए एक सिस्टम है, पहला। दूसरी बात, कांग्रेस एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो उसके संगठन के अंदर एक निष्पक्ष इलेक्शन अथॉरिटी का गठन किया गया है। मधुसूदन मिस्त्री, इसी राज्य के जाने माने सांसद, नेता, ट्रेड यूनियन, कांग्रेस के टीएन सेशन वही है। अगर टीएन सेशन है वो मधुसूदन मिस्त्री है। कोई पार्टी में ऐसा मधुसूदन मिस्त्री जैसा व्यक्ति नहीं है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन। तीसरी बात, 17 तारीख को चुनाव होगा अगर 2 उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार हैं। मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि नामांकन पत्र आज से भरे जाएंगे, 6 दिन का समय है, 1 तारीख को स्क्रूटिनी होगा। पर किसी के कागज को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, मैं आपको बता दूं पहले से ही, कोई मैच फिक्सिंग नहीं है। हम मैच फिक्सिंग में विश्वास नहीं रखते। तो 1 तारीख को आपको पता चल जाएगा, 17 तारीख को चुनाव होंगे, 19 तारीख को नए अध्यक्ष की घोषणा। तो ये सिस्टम है। एक मिनट, पर भारत जोड़ो यात्रा चलता रहेगा, भारत जोड़ो यात्रा चलता रहेगा। कल जैसा कि मैंने कहा, कई अखबारों ने, कई चैनलों ने कहा राहुल गांधी जी दिल्ली आ रहे हैं। कंटेनर में बैठे हुए हैं केरला में, और बेचारों को आपने कह दिया दिल्ली आ रहे हैं। तो समझने की कोशिश कीजिए, उन्होंने गहलोत साहब को कहा, गहलोत साहब गए थे मनाने के लिए, उन्होंने कहा नहीं। तो उसके बाद गहलोत साहब ने घोषणा की है, और वो मैं नहीं जानता हूँ अगले 2-3 दिन में वो नामांकन पत्र भरेंगे। हाँ जी, मोहन भागवत मुख्य विपक्षी
ये कहना है कि हम भी भारत जोड़ो, भारत में सबको जोड़ने की एक बात कर रहे हैं, आप भी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा क्या अलग? भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी भाषा में और एक बड़ा बिलबोर्ड मैंने देखा, भारत जोड़ो यात्रा का असर नेशनल गेम 29 सितंबर टू अक्टूबर 4 जुड़ेगा भारत, उसका नीचे क्या लिखा हुआ था, जुड़ेगा भारत जीतेगा भारत, ये तो भारत जोड़ो यात्रा का असर है, बिल्कुल सीधा असर मुझे आज देखने को मिला बोर्ड, हमारे लिए तो फ्री पब्लिसिटी है वो, जुड़ेगा भारत, yes. भारत जुड़ेगा क्योंकि लोग चाहते हैं जुड़ने, सरकार के नीतियों के कारण बढ़ा जा रहा है, लोग एक होना चाहते हैं, लोग आज भी हमारे देश में अनेकता में एकता में विश्वास रखते हैं, पर इनकी नियत और नीतियों के कारण, जैसा कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है और राजनीतिक केंद्रीकरण बढ़ रहा है, तो भारत कमजोर हो रहा है और भारत बिखर रहा है, और इसको जोड़ने की वक्त की मांग है, भारत जोड़ने की। देखिए राहुल गांधी जी को ये सवाल पूछा गया 22 अगस्त को, राहुल गांधी जी अलग अलग नागरिक संस्थाओं से मिल रहे थे और किसी ने उनसे पूछा आप यात्रा में क्यों निकले हुए हैं, तो बिना कोई प्रिपरेशन के हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई थी, राहुल गांधी ने कहा हमारे संस्कार में दो चीजें महत्व रखते हैं, विशेष महत्व, भक्ति और तपस्या, भक्ति और तपस्या, मैं इस यात्रा को तपस्या के रूप में देखता हूं और मेरे लिए ये यात्रा एक तपस्या की यात्रा है, तो उन्होंने पहले दिन कहा 22 अगस्त को कहा, तो मैंने हंसी मजाक में योगेंद्र यादव को कहा, क्योंकि वो उस मीटिंग ने उन्होंने वो ही बुलाए थे और उसकी अध्यक्षता वो ही कर रहे थे, तो मैंने योगेंद्र यादव को कहा आपके लिए तो ये प्रायश्चित यात्रा है, और कई लोग भी थे जो प्रायश्चित यात्रा है, ये बात सही है, कई लोग जो 2012 में यूपीए सरकार के खिलाफ रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल और ये अन्ना हजारे सब लोग बैठे हुए थे, पीवी राजगोपाल, एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ, 2012 में वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में शामिल थे, आज वो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जो अभी मान गए हैं कि अगर आपको बीजेपी का मुकाबला करना है, बी टीम के सहारे नहीं कर सकते, आप समझ गए होंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, बी टीम के सहारे नहीं कर सकते, सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, और मैं एक और बार बताऊं, बार बार ऑपोजिशन यूनिटी की बात आती है, मैं आपको साफ बता दूं भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ऑपोजिशन यूनिटी नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है कांग्रेस को मजबूत बनाना, क्योंकि अगर कांग्रेस मजबूत बनेगी तब विपक्ष मजबूत बनेगा, ऑपोजिशन यूनिटी अगर कांग्रेस कमजोर है ऑपोजिशन यूनिटी का कोई मायने नहीं, तो बार बार मैं कह ये लोग यही लोग कई लोग जो जुड़े हुए हैं ये हमारे खिलाफ थे, और मैं इसको कबूल करता हूं, मैं स्वीकारता हूं कि न केवल कांग्रेस समर्थक और कांग्रेस प्रशंसक इस जुड़े हुए हैं इस यात्रा में, कांग्रेस आलोचक भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि अगर आपको बीजेपी से मुकाबला करना है राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में, कांग्रेस के सिवा और कोई साधन नहीं, कई ऐसे बी टीम है, रीजनल पार्टीज बी टीम है, तो हाँ योगेंद्र यादव के लिए प्रायश्चित है, और कई लोग हैं ऐसे, योगेंद्र यादव नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए ये प्रायश्चित यात्रा है।
महादेव, और हम इसका स्वागत करते हैं, इस प्रायश्चित का हम स्वागत करते हैं। जिनको जाना है जाने दीजिए। दो तरीके के लोग जाते हैं कांग्रेस पार्टी से। एक ऐसे लोग जाते हैं जिनको कांग्रेस पार्टी से सब कुछ मिला है, वही लोग जाते हैं। और इसके सब इसका सबसे बड़ा मिसाल है गुलाम नबी आजाद। उनको कांग्रेस पार्टी से क्या नहीं मिला। ऐसे ही लोग जाएंगे जिनको कांग्रेस से फायदा मिला है, जाने दीजिए। दूसरे कैटेगरी में आएंगे ऐसे लोग जो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाना चाहते हैं। एक वॉशिंग मशीन है ना हमारे देश में, अभी सैमसंग का वॉशिंग मशीन बिकता नहीं है, हायर का बिकता नहीं है, एलजी का नहीं बिकता, सिर्फ एक ब्रांड वॉशिंग मशीन है, बीजेपी ब्रांड वॉशिंग मशीन। उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा जाते हैं, कांग्रेस गोवा के 8 विधायक जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जिनके खिलाफ सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, और सहने की शक्ति नहीं है इनमें। वॉशिंग मशीन में अंदर जाओ आप, मेरे कुर्ते के माफिक सफेद निकले। तो ये दो तरीके के लोग हैं, तो जाना है तो जाइए कांग्रेस पार्टी। अगर गुलाम नबी आजाद गए हैं कांग्रेस पार्टी से, 20, 25, 30 लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में युवा नेता जो आगे आ सकते हैं, जिनमें काबिलियत है, अनुभव है, और कांग्रेस आइडियोलॉजी के प्रति पूरा समर्थन है। तो मैं हमें कुछ चिंता नहीं है, जिनको जाना है जाने दीजिए। हाँ, पार्टी से बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये पार्टी के अंदर रहकर पार्टी को कमजोर कर रहे थे, ये तो इंटरनल सैबोटाज कर रहे थे। क्या आप मानते हैं कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे थे? वो अपने आप को मजबूत कर रहे थे। सर, नहीं, मैं पहले सवाल का जवाब दूंगा। जब पीसीसी की ओर से राहुल जी का कैंपेन फाइनलाइज होगा, वो जरूर आएंगे कैंपेन के लिए एक दो दिन। देखिए, हर 7 दिन के बाद भारत जोड़ो यात्रा का रेस्ट डे होता है। कल पूरा दिन आराम का दिन था, तो हर 7 दिन के बाद हम रेस्ट करते हैं। तो कुछ ऐसा हम जो चुनावी अभियान में ज़रूर भाग लेंगे, और अगर उनकी ज़रूरत पड़ेगी और पीसीसी के ओर से गुजारिश आएगी तो जरूर भाग लेंगे, और उस दिन के लिए भारत जोड़ो यात्रा स्थगित किया जाएगा। दूसरा सवाल क्या था? हवा प्रदूषण, इसको या प्रदूषण, अभी हम राजनीतिक प्रदूषण की बात कर रहे हैं, उसको अलग से बात करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। राज्यों के चुनाव में मेरे विचार में डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखाई नहीं देगा, पर संगठन में मजबूती जरूर दिखाई देगा। संगठन में, कार्यकर्ताओं में, हमारे NSUI में, IYC में, महिला कांग्रेस में, हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें जरूर उत्साह दिखाई देगा। और देखो, लोग देख रहे हैं यार, ये भारत जोड़ो यात्रा विजुअल यात्रा है। आप लोग देख सकते हैं क्या रिएक्शन आ रहा है, क्या पब्लिक से रिस्पॉन्स आ रहा है। क्या ये वोट में बदलेगा, ये देखना पड़ेगा। वो संगठन पर निर्भर करता है। अगर संगठन मजबूत है और संगठन जुड़ जाता है, तब वो क्राउड वोट में बदल सकता है। सत्ता के लिए लड़ रही चुनाव।
कांग्रेस पार्टी सन्यासियों की कोई झुंड नहीं है। कुछ पार्टी ऐसी हैं जहां नकली और असली सन्यासी दोनों शामिल होते हैं, और ये सन्यासी कैमरा जी भी सन्यासी होते हैं। हमारी पार्टी एनजीओ नहीं है, हम एक राजनीतिक पार्टी हैं। हम चुनाव लड़ने के लिए हम पार्टी बनाया गया है, और चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं। पर जब हार होती है हम हार को कबूलते हैं, उसे सबक सीखते हैं और अगली बार जीतने की उम्मीद रखते हैं। तो बिल्कुल सही है जो आपने, अगर आप मुझे पूछेंगे चुनाव, देखिए कल राहुल गांधी जी से ये सवाल पूछा गया क्वेश्चन में कि क्या ये चुनाव से कोई संबंध है भारत जोड़ो यात्रा का, तो उन्होंने अच्छा जवाब दिया, आपने देखा होगा कि नहीं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर मैं एक मार्केट में जाऊं तब लोग पूछेंगे ये 2024 के चुनाव के लिए आप ये मार्केट में गए हैं। अगर मैं किसी आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम मांगू ताकि आर यू अपीलिंग टू आइसक्रीम ओनर्स। हर साल किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते रहता है, कभी ना कभी चुनाव होते रहते हैं। तो ये चुनाव से संबंध आप किसी भी एक्टिविटी का कर सकते हो, आप ये सवाल कर सकते हैं। ये बात सही है कि 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यह भारत जोड़ो यात्रा को सोचा गया। उदयपुर में जब हमारी आत्मचिंतन हुई थी वहां सोचा गया कि चुनाव के लिए हम एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाले ताकि हमारे संगठन के लिए मास कांटेक्ट का मौका मिले, और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा की परियोजना शुरू। सर, भारत जोड़ो यात्रा आपने निकाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, लेकिन केरल और उसके बाद आपका जो कर्नाटक, और कर्नाटक में आएगा मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी है, फिर उसके बाद आप मुंबई में आएंगे और एमपी में आएंगे, तो क्या जिस तरीके सोशल मीडिया में डिस्टर्ब कर रहे हैं, ट्रोल हो रहे हैं आपके मुख्य विपक्ष, तो क्या उसका संदेह आपको है? देखिए हम लोग अभी तक केरल में थे और 4 दिन केरल में रहेंगे, और केरल में सीपीएम की सरकार है, सीपीएम तो बीजेपी की ए टीम है केरला में, उनके ओर से हमें रोज वही आलोचना सुननी पड़ी है जो हम बीजेपी से सुनते हैं, और ये बात सही है। इसके बाद हम कर्नाटक में आएंगे 30 तारीख को, वहाँ बीजेपी की सरकार है, पहले से शुरू हो गया कर्नाटक के सोशल मीडिया में, कर्नाटक के मीडिया में अभी ही वार शुरू हो गया कर्नाटक में बीजेपी, तेलंगाना में टीआरएस, महाराष्ट्र में बीजेपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी, राजस्थान में बीजेपी। तो लोग सोचते हैं कि हम बीजेपी का मुकाबला नहीं कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से। मैंने आपको 4-5 ऐसे राज्य गिने, हरियाणा में बीजेपी, तो होगा ये रोज कुछ ना कुछ होगा। आज सुबह जैसा कि मैंने कहा, आज सुबह जब मैं भरत भाई से बात कर रहा था 2 लीगल नोटिस जारी कर रहा था मैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ इस राज्य के सांसद हैं जो रोज आलोचना करते रहते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। ये उत्तराखंड के बारे में है ना, अलग से बात करेंगे। नहीं, इस पर हमारी स्पीकर, हमारे स्पोक्स पर्सन ने भी टिप्पणी की है। ये तो सिर्फ न केवल, ये तो उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, हरियाणा में देख रहे हैं, अभी हम उत्तराखंड में देख रहे हैं। तो ये सब जो बीजेपी कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं, और जो असलियत है, जो हकीकत है, जमीन आसमान का फर्क है। और इसके बारे में विस्तार से अभी अभी हमारे स्पोक्स पर्सन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही हैं दिल्ली में। यस प्रधान भाई, एंड देन पार्ट। जैसे सर आपने बताया कि गहलोत जी आए थे, और हमारी जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं, जो हर मामले में बोलती हैं और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कहती हैं, वो झूठ की रानी क्यों चुप है इसके बारे में? यस प्रशांत भाई, सर पीछे टाइम पे जब कांग्रेस को एक नेता की जरूरत है, काफी पीसीसी जो उनको रिजोल्यूशन पास कर चुके हैं कि भाई वही बने,
वो नहीं बनना चाहते हैं यार, वो नहीं बनना चाहते हैं। अगर वो बने, आप पूछोगे, आप पहले व्यक्ति होंगे जो मुझे पूछेंगे क्यों बने हैं? आप पहले बार, आप पहला सवाल होगा क्यों बनते हैं? अभी नहीं बनेंगे, आप मुझे पूछ रहे हैं क्यों नहीं बन रहे हैं? उन्होंने मन बना लिया है कि मैं नहीं आना चाहता हूं, आप, मैं अपने आप को एक अलग रूप में देखता हूं भारतीय राजनीति में। वो अलग तरीके के राजनीति है, वो अलग तरीके के इंसान है, उनका उनकी सोच। देखिए एक बात मैं बता दूं, उनकी सोच सत्ता की सोच नहीं है, उनकी सोच सत्ता की सोच नहीं है। और मुझे रोज उनको बोलना पड़ता है, राहुल जी कैमरा को तो परमिशन दीजिए, थोड़ा विजुअल लेने दीजिए आपके, आप पदयात्रा में निकले हुए हैं और कोई पदयात्रा में नहीं निकला हुआ है, थोड़ा कैमरा पर आप पर फोकस करें। और एक हमारे देश में एक नेता हैं जो हिमालय में जाते हैं, पूजा में बैठते हैं और एक पत्थर के बीच से कैमरा निकलता है, गुफा में कैमरा निकलता है। और देखिए रोज मैं, कल भी मेरी उनसे बात हुई थी, आप पत्रकारों से बात कीजिए, पत्रकारों को इंटरव्यू दीजिए ना, मैं पदयात्रा में निकला हूँ, मेरे लिए तपस्या है, उनका सोच अलग है। यस पाल, हाँ भारत जोड़ो यात्रा का मैंने कहा है, भारत जोड़ो का जोड़ो यात्रा का असर न केवल बीजेपी पर पड़ा है, पर आरएसएस पर भी पड़ा है। और ये सब पब्लिसिटी स्टंट है, ये सब पब्लिसिटी स्टंट है, हेडलाइन के लिए स्टंट है। मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी नीयत साफ नहीं है, ये सब दिखावा है, ये सब अखबारों के लिए, पत्रकारों के लिए, चैनल के लिए हेडलाइन आएगा, पर जो असली बात है, असली मुद्दे हैं, उस पर वो तो चुप है, कुछ बोलते नहीं। युवा ब्रिगेड तैयार कर रहे राहुल जी, 52 साल के हैं, युवा ब्रिगेड का वक्त हो चुका है उनके लिए, अभी और कोई 52 years old, how can he start a युवा ब्रिगेड now? पर हाँ ये बात सही, भारत जोड़ो यात्रा में जो युवा लोग जुड़े हुए हैं, खास तौर से महिलाएं जुड़ी हुई हैं, एक तिहाई महिलाएं हैं जो चल रही हैं, अभी तक 340 किलोमीटर चले हैं। और मैं एक चीज कहूँ आपको, कल एक मेडिकल कैंप था, तो सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, फोटो आपने लगाए हैं, उस मेडिकल कैंप में मर्द लोग ज्यादा थे, महिलाएं फिट हैं, कांग्रेस की महिलाएं फिट हैं, राधिका फिट है। इस सवाल का जवाब राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तरीके से दिया परसों कुछ, मैं उसको दोहराऊंगा, ये कांग्रेस पार्टी की नीति है, हमेशा रही, हर तरह के सांप्रदायिकता के खिलाफ है, मेजॉरिटी कम्युनलिज्म माइनॉरिटी कम्युनलिज्म कोई फर्क नहीं, दोनों हमारे देश और समाज के लिए खतरा पैदा करते हैं, और दोनों का मुकाबला करना कांग्रेस पार्टी की नीति रही, हम इससे हटेंगे नहीं। और उन्होंने एक और शब्द कहा जो मैं दोहराऊंगा, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स कम्युनलिज्म, बहुत बड़ी बात, बड़ी बात कही उन्होंने, जीरो टॉलरेंस ऑफ एनी कम्युनलिज्म, मेजॉरिटी माइनॉरिटी सब मेजॉरिटी सब माइनॉरिटी, किसी तरीके से उग्रवाद, किसी तरीके से जो सांप्रदायिकता फैलाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। आखिरी सवाल, वो भरत भाई से पूछिए, वो भरत भाई से पूछिए, भरत भाई जवाब दें। आदरणीय जयराम रमेश जी और हमारे सब साथी पत्रकार मित्रों, हमने मतलब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रियंका जी को इनवाइट किया है गुजरात के दौरे पर, और खास करके गुजरात में नवरात्रि एक बहुत सबको प्यारा त्योहार है, और सब हमारे युवा
मिलके चाहते हैं कि प्रियंका जी गुजरात का दौरा करें। वैसे गुजरात में आए वो एक बात है, और 2006-07 में कांग्रेस ने आनंद में एक बड़ा महिला सम्मेलन किया था, 1,00,000 से ज्यादा सोनिया जी के नेतृत्व में महिलाएं इकट्ठी हुई थी, कांग्रेस के संगठन को मजबूती मिली थी। अब चुनाव है और उसके साथ साथ महिला युवाओं और सबको जोड़ने के लिए, एक तरफ जैसा जयराम जी ने बताया कि राहुल जी व्यस्त हैं पूरे भारत जोड़ो यात्रा में, समय जरूर देंगे गुजरात के चुनाव के लिए, तो प्रियंका जी के गुजरात के आने से कांग्रेस के कार्यकर्ता और गुजरात की जनता का उनको जो आशीर्वाद मिलने वाला है, रमेश जी ने बताया भारत जोड़ो, वो यात्रा गुजरात में सीधी नहीं आएगी क्योंकि चुनाव है ये बता के भी, पर गुजरात से ही 5 सितंबर से राहुल जी से जब ये यात्रा शुरू हुई है और गुजरात ही भारत जोड़ो अंग्रेजों को क्विट इंडिया मूवमेंट का महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का नारा है, तो ये भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से आके गुजरात की ओर से चलेगी और चुनाव का एंड टाइम होगा। गुजरात की जनता का भारत जोड़ो यात्रा को आशीर्वाद होगा और भारत जोड़ो यात्रा के कम्युनिकेशन से ये चुनाव कर भी कांग्रेस को पॉजिटिव कार्यकर्ता को सबको असर देगा और प्रियंका जी भी इसी के साथ गुजरात में आने वाली है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि रोज सुबह 5:30 बजे हम कैंप में उठते हैं, कंटेनर में हम लोग सोते हैं, 60 कंटेनर हैं, कुछ 2 बेड का कंटेनर है, कुछ 4 बिस्तरे का है, कुछ में 12 है, राहुल जी का 1 बेड का कंटेनर है, और रोज 5:30 बजे हम उठते हैं और जब हम उठते हैं हम गुजरात को याद करते हैं, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, कहीं भी है, क्योंकि पहली आवाज़ जो आती है रघुपति राघव राजा राम। अच्छा, उसके बाद नरसिंह मेहता, वैष्णव जन। तो अगर आप वो उसका लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होता है, पर मैं इसका भी इंतजाम करूंगा, उसका भी हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, तो आपको सबूत मिल जाए कि शुरुआत भी हम कहीं भी हो गुजरात रघुपति राघव राजा राम और वैष्णव जन से, इसके अलावा हम उसकी शुरुआत ही नहीं करते। एक मिनट भाई, अरे भाई एक मिनट सर इधर एनो चौक्स कार्यक्रम फाइनलाइज थे पछी प्रियंका जी अने ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी साथे गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा एनी जाहिरात करवामां आवशे, तारीख सहित समय सहित डिटेल प्रोग्राम। थैंक यू। ए बधोज कार्यक्रम डिटेल आपवामां आवशे, पण प्रियंका जी ने आमंत्रण आप्युं छे जेनी डिस्कशन चाली रही छे। आपको हेडलाइन मिल गया। थैंक यू। चुनाव के बारे में बार-बार बोलेंगे, बार-बार। थैंक यू। 1-2-1।